बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चैनल फिजिक्स एंड मैथ। आज हम नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स की एडिशन जो है वो आज हमने करनी है, सिंपलीफाई करना है, और जो ऑपरेशन दिया गया है प्लस का है माइनस का है वो हमने परफॉर्म करना है। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट पार्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपने जस्ट वेक्टर्स को ऐड करना है, जिसमें पहला हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने इसको प्लस करना है, ये ब्रैकेट है, और आगे जो है डिटर्मिनेंट्स जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। आगे हमारे पास 0, 2 एंड 3, 0 और ब्रैकेट क्लोज की हुई है, प्लस हमारे पास जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है 1, 1, 1, 0, ये हमारे पास नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है, इनको हमने ऐड करना है और सिंपलीफाई करना है। चलिए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करें, 1 प्लस 0, 1, 0 प्लस 2, 0, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, 1 प्लस 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस लगाएंगे, 1, 1, 1 एंड 0, ये हमारे पास यहां तक सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये 3 और ये 1, प्लस 1, 1, 1 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब दो ही डिटर्मिनेंट्स हैं, तो ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, तो 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। चलें इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 2, 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 3 एंड 3 प्लस 1, 4 एंड 1 प्लस 0, 1, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2, 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें भी आपने जस्ट एडिशन ही करनी है, एडिशन करनी है या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। हमारे पास सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ पर जस्ट माइनस है, और हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, 1, 1, 1 एंड 0, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट अब इन दोनों के दरमियान में आ चुकी है, फिर उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम करते हैं, 1, 0, 0, 1 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के लिए 0, -1 लिखेंगे, और 2, -1 लिखा जाएगा, 3, -1, 0, -0, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1, 0, 0, 1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा -1, क्योंकि 0, -1, -1, 2, -1, 1, 3, -1, 2 एंड 0, -0 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1, -1, क्योंकि 1 ये -1 है, -1 आ जाएगा, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनको हम सॉल्व ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 0, ये हमारे पास बनेगा 1, ये 2 और ये 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका हमारे पास टोटल जो है वो रो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और हमारे पास है ये पहला 2, 3 एंड 1, मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूँ, 2, 3, 1 है। उसके बाद हमने ऐड करना है दो मैट्रिक्स को, फिर उस पहले दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसमें
जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको हम ऐड कर देंगे, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट है 1 0 एंड 2, फिर माइनस का साइन है। अब हम इन दोनों को पहले माइनस करेंगे जो हमें दिए हुए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये इस तरह इनके दरम्यान में गैप होना चाहिए कि अब ये 222 नहीं लगे बल्कि 222 अलग से ये हमें पता चलना चाहिए। हम इधर इक्वल लगाएंगे, अभी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट जो है इन दोनों के दरम्यान में, पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस 2, फिर 0 माइनस 2, फिर 2 माइनस 2। पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2, 3 एंड 1, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, फिर 1 प्लस, इसके साथ 0 है तो 1 प्लस 0, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चलें इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर भी 4 है हमारे पास। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपल मल्टीप्ली एडिशन है जो हम आमतौर पे 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 इस तरह, ये वाली एडिशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हम उसको सॉल्व करेंगे जी। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहला पहला वो हमारे पास है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1, और इसके बाद थर्ड रो जो है वो है 0 1 एंड 2। अब हमने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है ये हम वैल्यूज को देख के करेंगे, लेकिन हमारे पास उसने कहा है कि इसको ऐड करें, और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 एंड 3, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस 1, इसको हम क्लोज करेंगे, -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, उसके बाद है 0 प्लस 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 1 1 एंड 1 3 4 एंड 5, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे जी। इसमें हमारे पास फिर एडिशन करनी है, तो जस्ट सिंपल एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है हमारे पास। हाँ जी, पहला है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, 1 2 3 3 1 2, यानी कि हमारे पास 2 3 1 है, 2 3 1 एंड 3 1 2, तरतीब से दिए हुए हैं इसलिए। चले हमारे पास 1 2 3 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 एंड -2, उसके बाद सेकंड जो रो है वो हमारे पास है -2 -1 और 0, उसके बाद जो नेक्स्ट रो है वो है 0 2 और -1। चले जी, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इक्वल लगाएंगे, 1 प्लस 1
प्लस जीरो, थ्री प्लस माइनस, तो थ्री माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि थ्री प्लस माइनस माइनस, थ्री माइनस टू, उसके बाद टू प्लस माइनस माइनस, टू माइनस टू, उसके बाद थ्री माइनस वन, वन प्लस जीरो, उसके बाद हमारे पास आता है थ्री प्लस जीरो, वन प्लस टू, टू प्लस माइनस वन बन जाएगा, तो टू माइनस वन आ जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टू, वन प्लस वन टू, टू प्लस जीरो टू, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, उसके बाद जीरो आ जाएगा, टू माइनस टू, थ्री माइनस वन जीरो एंड वन आ जाएगा, उसके बाद थ्री प्लस जीरो थ्री, वन प्लस टू थ्री एंड टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और ये आंसर आ गया। उस तरह क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जस्ट आपने एडिशन करनी है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फोर है और इसका पार्ट नंबर हमारे पास सिक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे जी। तो हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है वन टू जीरो वन, वन टू जीरो वन, और उसके बाद हमने देखिए ब्रैकेट आ गई है, तो इसका मतलब हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, टू वन जीरो वन, इनको ऐड करेंगे, टू वन जीरो वन, और उसके बाद हमारे पास है प्लस वन 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 एंड वन जी। ये हमारे पास, ये हमारे पास टू वन वन जीरो है, ये मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, हम इनको सिंपली ऐड करेंगे, उसके बाद पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट के बगैर उनको सॉल्व किया जाएगा। इक्वल लगाते हैं, वन प्लस टू, टू प्लस वन, जीरो प्लस वन, वन प्लस वन, वन प्लस जीरो, प्लस लगाएंगे, उसके बाद वन 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 एंड वन, इसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस वन थ्री, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन, प्लस वन 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 एंड वन, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया जाएगा, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन, वन प्लस वन, वन प्लस वन। अब इसका आंसर लिखेंगे हम, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, वन प्लस वन टू एंड वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, ये हमारे पास आंसर।